हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू स्टूडेंट्स। इससे पिछली वीडियो में हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का, जंक्शन कैपेसिटेंस ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। पार्ट वन ऑफ जंक्शन कैपेसिटेंस वाले वीडियो में हमने देखा था कि आखिरकार जंक्शन कैपेसिटेंस क्या होती है। हमने ये पढ़ा था कि जंक्शन कैपेसिटेंस जो है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस और एक होती है डिफ्यूजन कैपेसिटेंस। हमने पढ़ा था कि आखिरकार ट्रांजिशन कैपेसिटेंस क्या होती है और साथ के साथ ये भी जाना था कि हमने ट्रांजिशन कैपेसिटेंस जो है वो दो टाइप्स के पीएन जंक्शंस के लिए फाइंड आउट करनी है। पहला था हमारे पास ट्रांजिशन कैपेसिटेंस फॉर स्टेप ग्रेडेड पीएन जंक्शन, जिसका एक्सप्रेशन हमने पार्ट वन वाले वीडियो में ही ड्राइव कर लिया था, और ट्रांजिशन कैपेसिटेंस ऑफ लिनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन डायोड जो है वो आज के इस वीडियो में हमें फाइंड आउट करना है। और हम देखेंगे कि आखिरकार लिनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन के लिए जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन निकल के आएगा वो क्या ग्रेडेड पीएन जंक्शन के ट्रांजिशन कैपेसिटेंस के सेम होगा या उससे डिफरेंट होगा। और साथ के साथ हम लिनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन के लिए जो पोटेंशियल बैरियर का एक्सप्रेशन रहेगा, जो यहाँ पर डिप्लेशन विड्थ का एक्सप्रेशन रहेगा, उसको भी डराइव करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं पार्ट टू ऑफ जंक्शन कैपेसिटेंस। तो स्टूडेंट्स पार्ट टू ऑफ जंक्शन कैपेसिटेंस में हमें क्या करना है, ट्रांजिशन कैपेसिटेंस फॉर अ लिनियरली ग्रेडेड जंक्शन फाइंड आउट करना है। देखिए स्टूडेंट्स, लिनियरली ग्रेडेड जंक्शन की खास बात क्या होती है कि इसमें जो डेंसिटी ऑफ एक्सेप्टर आयंस है Na और जो डेंसिटी ऑफ डोनर आयंस है Nd वो यहाँ पर सेम रहेगी। तो ये अगर डेंसिटीज आपस में सेम है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो लिनियरली वेरी करेगी विद डिस्टेंस फ्रॉम द जंक्शन इन द डिप्लेशन रीजन। तो अगर हमारे पास यहाँ पर डिप्लेशन रीजन जो है वो कुछ इस प्रकार से है, यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव आयंस है, यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव आयंस है, तो ये हमारे पास पीएन जंक्शन है, बीच में ये हमारे पास पीएन जंक्शन है। तो यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो लिनियरली वेरी करेगी विद डिस्टेंस फ्रॉम दिस पीएन जंक्शन। अगर हम पीएन जंक्शन के इस तरफ जाएं या इस तरफ जाएं तो दोनों तरफ जो चार्ज डेंसिटी है वो लिनियरली वेरी करेगी, और यहाँ पर चार्ज डेंसिटी जो होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, डिस्टेंस x फ्रॉम द पीएन जंक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस चीज़ का आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। दिस इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन। तो इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए हम इस प्रकार के लिनियरली ग्रेडेड जंक्शन के लिए ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे। तो आइए स्टूडेंट देखते हैं कि इसमें आप क्या लिख के आएंगे। अब पीएन जंक्शन इज सेड टू बी लिनियरली ग्रेडेड जंक्शन इफ चार्ज डेंसिटी वेरीज लिनियरली विद डिस्टेंस फ्रॉम द जंक्शन इन द डिप्लेशन रीजन। एक पीएन जंक्शन को हम लिनियरली ग्रेडेड जंक्शन कहेंगे अगर उस चार्ज डेंसिटी जो है वो लिनियरली वेरी कर रही है विद डिस्टेंस फ्रॉम द जंक्शन इन द डिप्लेशन रीजन। मतलब यहाँ पर क्या होगा, अगर हम डिस्टेंस को x से डिनोट करें और चार्ज डेंसिटी हमारी रो है तो रो यहाँ पर x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। और दूसरी खास बात क्या होती है यहाँ पर लिनियरली ग्रेडेड जंक्शन में, जो एक्सेप्टर आयंस की डेंसिटी है Na और जो डोनर आयंस की डेंसिटी है Nd वो यहाँ पर बिल्कुल सेम रहने वाली है, इक्वल रहने वाली है। ऑल्सो वी नो दैट हमारे पास जो चार्ज डेंसिटी होती है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होती है, चाहे एक्सेप्टर आयन हो चाहे डोनर आयन हो। यहाँ पर क्या होगा, जो चार्ज होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा इन दोनों आयंस के ऊपर, वो यहाँ पर E रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो चार्ज डेंसिटी होगी वो चार्ज ऑन आयन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, चाहे वो एक्सेप्टर आयन हो चाहे वो डोनर आयन हो। दोनों के ऊपर जो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज होगा वो E होगा। ये हमारी सेकंड इक्वेशन होगी। तो अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को कंबाइन कर दें आपस में, सो रो विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E इंटू एक्स हो जाएगा। तो अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगेगा K, वेयर K इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, सो रो विल बी इक्वल टू K इंटू E इंटू एक्स। ये हमारी थर्ड इक्वेशन होगी। अब पीएन जंक्शन डायोड एज अ होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, सो वी मस्ट हैव, क्योंकि पीएन जंक्शन डायोड एज ए होल जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ एक्सेप्टर आयंस हैं इन पी रीजन और जो नंबर ऑफ डोनर आयंस हैं इन एन रीजन वो यहाँ पर सेम होने चाहिए। तो हम यहाँ पर एक्सेप्टर आयंस का नंबर कैसे निकाल सकते हैं, एक्सेप्टर आयंस की जो डेंसिटी है वो है हमारे पास Na। तो अगर हम इसे वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें, वॉल्यूम कौन सा, इस रीजन का वॉल्यूम, अब इस रीजन का वॉल्यूम कितना होगा, हम मान लेते हैं कि पीएन जंक्शन का एरिया फॉर सेक्शन ए है और यहाँ पर जो डिप्लेशन रीजन की विड्थ है पी साइड में वो है हमारे पास W1 और इस साइड जो हमारे पास डिप्लेशन रीजन की विड्थ है वो हमारे पास W2 है। तो इस पार्ट का जो वॉल्यूम होगा वो कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई विड्थ मींस A इंटू W। तो ये आगे हमारे पास नंबर ऑफ एक्सेप्टर आयंस इन पी रीजन। इसी तरह से नंबर ऑफ डोनर आयंस इन एन रीजन कितने होंगे, डोनर आयंस की डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ दिस रीजन। इस रीजन का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मल्टीप्लाई विड्थ दैट इज ए इंटू W2। तो ए से ए कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, वेयर ए इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पीएन जंक्शन। तो अगर हम एनडी को एनए के नीचे भेज दें और W1 को W2 के नीचे भेज दें तो हमें क्या मिलेगा, एनए अपॉन एनडी इज इक्वल टू W2 अपॉन W1। क्योंकि यहाँ पर एन ए और एन डी बराबर हैं तो एन डी की जगह हम एन ए रख देते हैं, तो एन ए से एन ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। सो 1 विल बी इक्वल टू W2 बाय W1 दैट इज W2 इक्वल टू W1। ये है हमारे पास खास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लीनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन डायोड कि यहाँ पर ये वाली विड्थ और ये वाली विड्थ जो है वो बिल्कुल सेम रहेगी, इक्वल रहेगी, क्योंकि जो W होगा हमारे पास टोटल विड्थ जो होगी डिप्लेशन रीजन की वो इन दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर होगी दैट इज W इज इक्वल टू मॉड ऑफ W1 प्लस मॉड ऑफ W2। हमने यहाँ पर मॉड क्यों लिया, अगर हम इसको रेफरेंस एक्सिस मान लें, एक्स एक्सिस ये इसका ओरिजिन है तो W1 जो है वो ओरिजिन के इस तरफ है, तो यहाँ पर जो W1 होगा वो माइनस का साइन कंसिडर किया जाएगा और W2 जो है वो इस ओरिजिन से इस तरफ है तो इसका साइन जो है वो पॉजिटिव कंसिडर किया जाएगा। तो हमें टोटल विड्थ निकालने के लिए, W निकालने के लिए इन दोनों के मॉड्स को सम करना होगा। तो यहाँ पर W2 किसके बराबर है, W1 के बराबर है, तो इस W2 की जगह हम W1 रख देते हैं। सो W विल बी इक्वल टू ट्वाइस ऑफ मॉड ऑफ W1, सो मॉड ऑफ W1 इक्वल टू W2। तो यहाँ पर इस W1 का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किसके बराबर होगा, W2 के बराबर होगा, इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। अब मॉड ऑफ W1 W2 के बराबर है और W1 W2 के बराबर है, इसका मतलब ये है कि मॉड ऑफ W2 भी W/2 के बराबर होगा। तो ये वाली विड्थ भी जो है वो यहाँ पर किसके बराबर होगी, W/2 के बराबर होगी, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ उसको W/2 के बराबर होगी। अब यहाँ पर ये दोनों विड्थ जो है वो सेम है और W/2 के बराबर है। तो यहाँ पर पोटेंशियल का वेरिएशन कैसे होगा, यहाँ पर चार्ज डेंसिटी जो है वो लीनियरली वेरी कर रही है। तो पी रीजन में अगर हम पोटेंशियल को V1 मान लें और एन रीजन में पोटेंशियल को V2 मान लें तो यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव पोटेंशियल है, तो हम नेगेटिव से शुरू करेंगे और धीरे धीरे लीनियरली ये बढ़ता चला जाएगा और यहाँ पर जाके ये पोटेंशियल हो जाएगा V2। और ये एन रीजन जो है एज अ होल इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो कॉन्स्टेंट रहेगा दैट इज V2 रहेगा। और पी रीजन जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो यहाँ पर पोटेंशियल जो है वो कितना रहेगा, V1 रहेगा। तो टोटल पोटेंशियल बैरियर होगा हमारे पास कहाँ से लेके कहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक होगा दैट इज VB। सो VB किसके बराबर होगा हमारे पास, मॉड ऑफ V1 प्लस मॉड ऑफ V2, क्योंकि ये नेगेटिव साइड में है तो हमें इसका मॉड लेना होगा। उसमें अगर हम मॉड ऑफ V2 ऐड कर दें तो VB हमें मिल जाएगा। सो VB विल बी इक्वल टू मॉड ऑफ V1 प्लस मॉड ऑफ V2। और एक चीज का आप ध्यान रखेंगे कि ये दोनों वैल्यूज जो होंगी V1 और V2 दोनों का मॉड लेके हमें इन दोनों को ऐड करना है, तो हमें VB की वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ तक पहुँच चुके हैं, इसके आगे का पार्ट हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स अगर हमने VB का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है तो पहले हमें मॉड ऑफ V1 निकालना होगा, फिर मॉड ऑफ V2 निकालना होगा, फिर उन दोनों को ऐड करके हम VB का एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो पहले हम फाइंड आउट करेंगे मॉड ऑफ V1, और मॉड ऑफ V1 फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे पॉइजन्स इक्वेशन इन 1D केस का, जो कि होती है d²v/dx² इज इक्वल टू माइनस रो बाय एप्सिलॉन। तो यहाँ पर रो की वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि थी KEX, तो रो की जगह हमने यहाँ पर रख दिया KEX। तो हमें यहाँ से v की वैल्यू तक पहुँचना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। जब आप इस टर्म का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक डेरिवेटिव जो है वो कम हो जाएगा, तो ये बन जाएगा dv/dx। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारे पास माइनस KE/ε कॉन्स्टेंट है, x का इंटीग्रेशन हो गया x²/2 प्लस एक कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज K1। अब हमें इस K1 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, इस पॉइंट पर आकर ये पॉइंट कौन सा है, ये पॉइंट हमारे पास x equal to w by 2। इस पॉइंट पर आकर आपका जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट हो रहा है, पोटेंशियल में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू x। तो इस पॉइंट पर dv/dx जो है वो 0 होगा। तो ये वाली बाउंड्री कंडीशन हम यहाँ पर यूज करेंगे। एट x equal to w by 2 जो हमारा dv/dx है वो क्या है, 0 है। तो यहाँ पर dv/dx के 0 पुट कर दो और x की जगह पुट कर दो w/2, तो आपको मिलेगा। सो फ्रॉम 4 0 इज इक्वल टू -ke/2 एप्सिलॉन ऐसे ही रहेगा। x की जगह हमने पुट कर दिया w/2 का स्क्वायर प्लस k1। तो इस टर्म को जब हम उधर लेके जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी। सो k1 विल बी इक्वल टू ke w² आ जाएगा, ऊपर ke w² 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8 एप्सिलॉन आ जाएगा। ये हमारी 5th इक्वेशन होगी। इस k1 की वैल्यू को आपको पुट करना है यहाँ पर। Using 5 in 4 we get dv/dx is equal to -ke x square by 2 epsilon plus k की वैल्यू हमारे पास आई है ke omega square by 8 epsilon। तो यहाँ से हमें v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो एक बार और इंटीग्रेशन करना होगा, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। dv/dx का इंटीग्रेशन हो जाएगा v, इस टर्म का इंटीग्रेशन होगा हमारे पास -ke by 2 epsilon x³ by 3 प्लस इस टर्म का इंटीग्रेशन होगा, ये टर्म कांस्टेंट है तो इसके साथ हमारे पास x आ जाएगा ke omega square by 8 एप्सिलॉन x प्लस एक और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा दैट इज k2। ये हमारी 6th इक्वेशन होगी। तो अब हमें इस k2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस k2 की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम एक और बाउंड्री कंडीशन का यूज करेंगे। वो ये है कि इस पॉइंट पर, ये पॉइंट क्या हमारे पास, ये पॉइंट है x equal to 0। ये x equal to 0 जो है वो पीएन जंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है और पीएन जंक्शन पर पोटेंशियल जो है वो 0 होता है। इसको हम बहुत बार यूज कर चुके हैं इस बाउंड्री कंडीशन को। एट x equal to 0 v equal to 0। तो यहाँ पर x की जगह 0 पुट कर दो और v की जगह 0 पुट कर दो। सो फ्रॉम 6 0 इज इक्वल टू x, यहाँ पर 0 0 पुट करें तो ये टर्म 0 हो जाएंगी प्लस k2 दैट इज 0 equal to k2 आ गया। ये हमारी 7th इक्वेशन होगी। इस k2 की वैल्यू को यहाँ पर पुट कर दो। यूजिंग 7 and 6 वी गेट v is equal to -ke x³ by 2 epsilon 3 plus ke omega square by 8 epsilon x plus 0 that is, हम प्लस में कुछ नहीं लिखेंगे यहाँ पर। अब हमारे पास v की वैल्यू आ चुकी है, हमें फाइंड आउट करना है मॉड ऑफ v1। मॉड ऑफ v1 फाइंड आउट करने के लिए पहले v1 फाइंड आउट करना पड़ेगा। v1 कहाँ से शुरू हो रहा है, यहाँ से शुरू हो रहा है। एट x equal to w by 2 पर v जो है वो v1 के बराबर हो जाता है। एट x equal to w by 2 v equal to v1, जहाँ x लिखा है वहाँ w by 2 पुट कर दो और जहाँ v लिखा है वहाँ v1 लिख दो। सो v1 विल बी इक्वल टू -ke by 6 एप्सिलॉन, इस x की जगह हम पुट कर रहे हैं w by 2 का क्यूब प्लस ke w² by 8 एप्सिलॉन, इस x की जगह हम पुट कर रहे हैं w by 2। इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा। v1 इक्वल टू -ke ओमेगा क्यूब नीचे 2 का क्यूब हो जाएगा 8 8 into 6 हो जाएगा 48 एप्सिलॉन प्लस ke w² into w हो जाएगा w³ 8 into 2 हो जाएगा 16 एप्सिलॉन 48 एप्सिलॉन एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा आपके पास -ke w³ plus 3 ke w³। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 2 ke w³ by 48 एप्सिलॉन। तो 2 से हम 48 काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 24। तो ये हमारे पास v1 की वैल्यू आ गई है। v1 की वैल्यू में कोई भी नेगेटिव साइन नहीं है, कोई भी कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं है, तो v1 का जो मॉड होगा वो भी यही होगा। इसको हम दे देते हैं स्टूडेंट्स इक्वेशन नंबर 8। तो हमने मॉड ऑफ v1 फाइंड आउट कर लिया है, मॉड ऑफ v2 फाइंड आउट करेंगे, उन दोनों को ऐड करेंगे तो vb की वैल्यू मिलेगी। फिर हमें w की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, डिप्लेशन विड्थ फाइंड आउट करनी है। फिर इस लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन के लिए ट्रांजिशन कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। ये सारे स्टेप्स हम करेंगे आने वाले सेक्शंस के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने मॉड ऑफ v1 फाइंड आउट कर लिया था 8th इक्वेशन में। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर w1 w2 बराबर है जो कि w by 2 के बराबर थे। w1 का मॉड w2 का मॉड आपस में बराबर थे और w by 2 के बराबर थे, और एक्सेप्टर आयन की डेंसिटी और डोनर आयन की डेंसिटी भी बराबर थी। इसका मतलब ये है कि दोनों रीजन्स में हमारे पास पोटेंशियल जो है वो सेम रहेगा। v1 और v2 जो है वो आपस में बराबर होंगे, इनका मॉड जो है वो आपस में बराबर होगा, इनका मैग्नीट्यूड आपस में बराबर होगा। तो जो मॉड ऑफ v1 था वही मॉड ऑफ v2 होगा। सो मॉड ऑफ v2 इज इक्वल टू ke w³ by 24 एप्सिलॉन। ये हमारी 9th इक्वेशन होगी। तो वीबी के अंदर हमारे पास मॉड ऑफ वी1 प्लस मॉड ऑफ वी2 दोनों की वैल्यूज पुट कर दो। के ई डब्ल्यू क्यूब बाय 24 एप्सिलॉन, के ई डब्ल्यू क्यूब बाय 24 एप्सिलॉन, 24 एप्सिलॉन है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ के ई डब्ल्यू क्यूब बाय 24 एप्सिलॉन। 2 से 24 कैंसिल हो जाएगा, सो वी बी इक्वल टू के ई डब्ल्यू स्क्वायर बाय 12 एप्सिलॉन। ये हमारी 10th इक्वेशन होगी। तो यहाँ से डब्ल्यू क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 12 एप्सिलॉन वी बी बाय के ई, तो डब्ल्यू की वैल्यू आ जाएगी 12 एप्सिलॉन वी बी बाय के ई की पावर 1/2। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डब्ल्यू है डिप्लेशन लेयर की जो विड्थ है यहाँ पर वो वीबी की पावर 1/3 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जबकि स्टेप ग्रेडेड जंक्शन के केस में वीबी जो है सॉरी जो डब्ल्यू जो है वो वीबी की पावर 1/2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल निकल के आया था, जबकि लिनियरली ग्रेडेड जंक्शन में डिप्लेशन विड्थ जो है पोटेंशियल बैरियर के क्यूब रूट के ऊपर डिपेंड करती है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि हाउ डज डिप्लेशन विड्थ in linearly graded PN junction depends upon potential barrier, it varies as cube root of potential barrier। ये ध्यान रखेंगे आप। तो स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटेंस निकालने के लिए हमें चार्ज की वैल्यू निकालनी होगी और चार्ज क्यू की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एन रीजन में जो हमारे पास डिप्लेशन लेयर है उसका एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करेंगे। इस तरह से ये हमने एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट कंसिडर कर लिया जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है वही होगा जो हमारे पीएन जंक्शन का एरिया फॉर सेक्शन था, दैट इज ए। इसकी विड्थ हमने मान ली dx। तो यहाँ पर हमने एक छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट कंसिडर किया है जिसका वॉल्यूम होगा हमारे पास dv, जो किसके बराबर होगा, a इंटू dx के बराबर होगा। तो इस रीजन में इस छोटे से वॉल्यूम एलिमेंट में कितना चार्ज स्टोर होगा आइए वो देखते हैं। लेट dq बी द चार्ज इन स्मॉल एलिमेंट dv ऑफ थिकनेस dx ऑफ डिप्लेशन लेयर इन एन रीजन। तो यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी होती है वो होती है चार्ज अपॉन वॉल्यूम डी क्यू बाई डी वी। सो डी क्यू विल बी इक्वल टू रो इंटू डी वी। यहाँ पर वी जो है वो यहाँ पर वॉल्यूम एलिमेंट को डिनोट कर रहा है डी वी। तो यहाँ पर हम डी वी की और रो की वैल्यू पुट कर देते हैं। सो डी क्यू विल बी इक्वल टू रो हमारे पास के ई एक्स था और डी वी था हमारे पास ए इंटू डी एक्स। तो डी क्यू की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से अगर हम यहाँ पर दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर दें तो डी क्यू का इंटीग्रेशन हो जाएगा क्यू, के ई इंटू ए कॉन्स्टेंट है उसे हमने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ऑफ इंटू डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर। और लिमिट्स क्या रहेंगी यहाँ पर, अगर ये हमने छोटा सा वॉल्यूम एलिमेंट लिया है जिसकी थिकनेस डी एक्स है तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी हमारे पास इसकी थिकनेस, वो होगी हमारे पास 0 से लेके w/2 तक। ये पॉइंट जो है वो w/2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर हमें लिमिट्स लेनी होंगी x की फ्रॉम 0 टू w/2। x का इंटीग्रेशन हो जाएगा x2/2 और यहाँ पर हम इसको लिमिट्स को जब पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, q विल बी इक्वल टू के ई ए, ये 2 हमने बाहर ले लिया, x की जगह पहले w/2 पुट करेंगे। सो w/2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 0 हमने यहाँ पर नहीं लिखा है तो यहाँ पर q की वैल्यू आ जाएगी k इंटू ई इंटू डब्ल्यू स्क्वायर 2 to the 4 to the 8 बाय 8 आ जाएगा। तो ये q की वैल्यू आ चुकी है, q की वैल्यू आ गई है। इसके बाद हम ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि आखिरकार ट्रांजिशन कैपेसिटेंस जो है वो पोटेंशियल बैरियर पर कैसे डिपेंड करती है नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स लास्ट सेक्शन में हमने चार्ज क्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी जो कि निकल के आई थी के ई ए डब्ल्यू स्क्वायर बाय 8। अब हम निकालेंगे ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। पार्ट 1 वाले वीडियो में हमने देखा था कि ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारे पास डी क्यू बाय डी वी बी। दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ ट्रांजिशन कैपेसिटेंस। तो हमारे पास क्यू की वैल्यू आ चुकी है, क्यू की वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे तो आपको मिलेगा सी टी प्राइम। सी टी प्राइम हम क्यों लिख रहे हैं, सी टी क्यों नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि ट्रांजिशन कैपेसिटेंस ऑफ स्टेप ग्रेडेड पीएन जंक्शन डायोड की को हमने सीटी से डिनोट किया था और लिनियरली ग्रेडेड पीएन जंक्शन डायोड के लिए हम ट्रांजिशन कैपेसिटेंस को सीटी प्राइम से डिनोट करेंगे। सो डी बाय डी वी बी ऑफ क्यू, क्यू की वैल्यू हमारे पास है के ई ए ओमेगा स्क्वायर बाय 8, ओमेगा नहीं डब्ल्यू है ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर के ई ए बाय 8 जो है वो कॉन्स्टेंट है तो डब्ल्यू स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करना होगा आपको वी बी के रिस्पेक्ट में, तो वो होगा 2w d w by d v b। तो यहाँ पर 2 4 8 हो जाएगा और सी टी प्राइम की वैल्यू आ जाएगी के ई ए डब्ल्यू बाई 4 डी डब्ल्यू बाई डी वी बी। ये हमारी 13th इक्वेशन होगी। तब हमें डी डब्ल्यू बाई डी वी बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। ये हम कैसे कर सकते हैं, हमारे पास 10th इक्वेशन में वी बी और डब्ल्यू के बीच का रिलेशन था तो अगर हम इसे दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करें वी बी के रिस्पेक्ट में तो हमें dw by dvb की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप लिखेंगे डिफरेंशिएटिंग टेंथ इक्वेशन बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू vb वी गेट। तो vb का डिफरेंशिएशन vb के रिस्पेक्ट में हो जाएगा 1 ke by 12 एप्सिलॉन ओमेगा w क्यूब का जो डिफरेंशिएशन होगा vb के रिस्पेक्ट में वो होगा 3w2 dw by dvb। 3 से आप ये काट दीजिए तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके dw by dvb की वैल्यू आ जाएगी 4 एप्सिलॉन 1 से मल्टीप्लाई होगा और के ई डब्ल्यू स्क्वायर जो है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। ये हमारी 14th इक्वेशन होगी। dw by dvb की वैल्यू 14th इक्वेशन से उठाकर आप 13th इक्वेशन में डाल दीजिए। यूजिंग 14 इन 13 वी गेट ct प्राइम इज इक्वल टू के ई ए डब्ल्यू बाय 4 मल्टीप्लाई में dw by dvb की वैल्यू है 4 एप्सिलॉन बाय के ई डब्ल्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर k से k कैंसिल, e से e कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, सो ct प्राइम जो है वो a एप्सिलॉन बाय w के बराबर आ गया। तो यही हमारे पास एक्सप्रेशन जो है ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का निकल के आया था किसके लिए, स्टेप ग्रेडेड पीएन जंक्शन डायोड के लिए। तो यहाँ पर ct प्राइम जो है वो ct के बराबर निकल के आ रहा है। मींस ट्रांजिशन कैपेसिटेंस जो है स्टेप ग्रेडेड जंक्शन की और लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन की दोनों की आपस में बराबर होती है और दोनों का एक्सप्रेशन जो है वो a एप्सिलॉन बाय w से दिया जाता है। और ये जो एक्सप्रेशन है ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के एक्सप्रेशन से मिलता जुलता है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है a एप्सिलॉन बाय d, जहाँ पर d जो है वो डिस्टेंस होता था बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। तो यहाँ पर भी हमारे पास ये जो पीएन जंक्शन डायोड है, चाहे वो स्टेप ग्रेडेड है चाहे वो लीनियरली ग्रेडेड है, वो एज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जो है वो बिहेव करेगा। ये एक कंडक्टिंग प्लेट होगी, ये डिप्लेशन लेयर होगी जो कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का काम करेगी और ये एक कंडक्टिंग प्लेट का काम करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों के लिए ट्रांजिशन कैपेसिटेंस जो है फाइंड आउट हो चुकी है। लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन की भी ये निकल के आई है और स्टेप ग्रेडेड पीएन जंक्शन डायोड की भी ये निकल के आई थी। तो अगर हम ट्रांजिशन कैपेसिटेंस, इस वाली ट्रांजिशन कैपेसिटेंस को vb के टर्म्स में एक्सप्रेस करना चाहें तो वो हम कैसे कर सकते हैं। हमारे पास w की वैल्यू ये वाली थी 11th इक्वेशन में, तो w की वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर दो। यूजिंग 11 इन 15 वी गेट ct प्राइम इज इक्वल टू a एप्सिलॉन, w की वैल्यू है 12 एप्सिलॉन vb बाय ke की पावर 1/3। यहाँ पर एप्सिलॉन की पावर 1/3 है डिनोमिनेटर में, ऊपर पावर 1 है, तो इस 1/3 को जब आप ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का 1/3 हो जाएगा। तो 1 - 1/3 जो है वो एप्सिलॉन की पावर 2/3 आ जाएगी। के ई की पावर 1/3 ऊपर चला जाएगा और 12 इंटू वी बी की पावर 1/3 जो है वो नीचे रह जाएगी। तो सारी 1/3 वाली पावर्स को कंबाइन कर दें तो आपको क्या मिलेगा, एप्सिलॉन स्क्वायर के ई 12 vb और इसकी पावर 1/3, इसकी पावर 1/3, इसकी पावर 1/3 जो है वो हमने एक ब्रैकेट में कर दी है। तो ये है हमारे पास एक्सप्रेशन फॉर ट्रांजिशन कैपेसिटेंस ऑफ लिनियरली ग्रेडेड जंक्शन इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल बैरियर vb। तो आप देख सकते हैं कि ct प्राइम जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है vb की पावर 1/3 के, जबकि स्टेप ग्रेडेड जंक्शन के केस में जो ट्रांजिशन कैपेसिटेंस थी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी vb की पावर 1/2 के। ये फर्क है दोनों में, ये vb की पावर 1/2 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी ट्रांजिशन कैपेसिटेंस और ये वाली ट्रांजिशन कैपेसिटेंस जो है वो vb की पावर 1/3 के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो स्टूडेंट्स, हमने ट्रांजिशन कैपेसिटेंस के दोनों टाइप जो हैं वो डिस्कस कर लिए हैं। हमने स्टेप ग्रेडेड जंक्शन और लिनियरली ग्रेडेड जंक्शन दोनों के लिए ट्रांजिशन कैपेसिटेंस का जो है वो एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर लिया है। तो जंक्शन कैपेसिटेंस पार्ट 3 वाले वीडियो में हम डिफ्यूजन कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ेंगे और डिफ्यूजन कैपेसिटेंस जो है वो किस केस में हमें देखने को मिलती है, जब हम पीएन जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करते हैं उस केस में हमें डिफ्यूजन कैपेसिटेंस देखने को मिलती है। ये जो हमने ट्रांजिशन कैपेसिटेंस देखी, चाहे वो स्टेप ग्रेडेड जंक्शन के लिए हो चाहे वो लीनियरली ग्रेडेड जंक्शन के लिए हो, वो हमें तब देखने को मिल रही थी जब हम इसको पीएन जंक्शन को रिवर्स बायस कर रहे थे। मींस पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ एक्सटर्नल बैटरी से जोड़ रहे थे। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स, मिलेंगे ट्रांजिशन कैपेसिटेंस पार्ट 3 वीडियो के साथ, जिसमें हम जंक्शन कैपेसिटेंस का सेकेंड टाइप दैट इज डिफ्यूजन कैपेसिटेंस को जो है वो स्टडी करेंगे। टिल देन टेक केयर।